थी मार्केट में, ठीक है, बोला हमारे को 5 लाख रुपये आप सिक्योरिटी के तौर पर दोगे तो हम उसका 3 गुना MRP का आपको मार देंगे, जो 25% हम आपको कमीशन, फिर हम कमीशन वो पैसा सेल हुआ वो डालते गए, फिर कस्टमरों ने हमारे पास शिकायत करी कि इसके नीचे दूसरा लोगो है, फिर हमने भी लोगों को काट सेल करें और ये थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ये देख सकते हैं कि भाई साहब खोलेंगे और पता चल जाएगा इससे कि मामला क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि मामला जो है वो कहाँ, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा तो दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल, और नीचे का जो है ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो लोगो है वो पहले उखाड़ रखा है और इसके ऊपर कोई लोगो और ये है सबसे बड़ा मामला, मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं इस शर्ट के ऊपर, कितने स्टैंडर्ड की शर्ट है और इसके ऊपर लिख रखा है अर्बन एलियन, लेकिन अर्बन एलियन को जब आप उखाड़ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार, जिस प्रकार से हम आपको लाइव तस्वीरों के अंदर हर एक खबर जो है वो अपडेट की दिखाते हैं, और आज हम भिवानी ज़िले के बहल ब्लॉक की एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको सुन करके जो लोग सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी शोरूम करते हैं, वो लोग शायद कभी नहीं सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि बहल के अंदर एक ऐसा मामला निकल कर के आया है। मैं कहना चाहूँगा एक बार मार्केट जो है वो भी दिखा दीजिएगा यहाँ की, और उस शोरूम पर चलेंगे, ऐसा चमकमाता हुआ शोरूम जो है वो स्टार्ट किया गया था, लेकिन उस शोरूम के अंदर ऐसा मामला यहाँ पर आया है कि जो जिस कंपनी के साथ टाई अप हुआ था उस कंपनी ने ऐसा फ्रॉड किया है कि जो माल उनको दिया गया था, जो कपड़े दिए गए थे, जो ड्रेसअप दिए गए थे, उसके ऊपर जो तमगा है वो अपना लगा दिया गया है, लेकिन उसके नीचे का लोगो है वो किसी और कंपनी का निकला है, और जो शोरूम भाई साहब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और कितने लाखों रुपए लगाए होंगे आपने, और उस कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, अर्बन एलियन के नाम से जो है उन्होंने स्टार्टअप किया था, जो शोरूम किया था, और उस अपनी शोरूम का ही नाम उन्होंने अर्बन एलियन रखा था, लेकिन अर्बन एलियन जो है वो क्या से क्या हो गई, कितना लाखों पैसा लगा करके भाई साहब ने कितना शानदार जो है वो शोरूम तैयार किया था, आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये शोरूम जो है वो एट प्रेजेंट में क्लोज भाई को करना पड़ा है, लाखों पैसा लगाने के बाद में भी हर एक व्यक्ति जो है वो इतना क्यों सोचता है, भाई ने इतना क्या कुछ सोच करके स्टार्टअप किया था, लेकिन क्या कुछ हुआ उनके साथ में, तो भाई हैं उनसे साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब राम राम, नमस्ते मेरे भाई, क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र। कहाँ से? नकीपुर से। नकीपुर से। तो जिस प्रकार से हमें कॉल आई आपकी, आपने बताया कि भाई साहब एक बार शोरूम पे आइएगा, हमारे साथ ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो शुरुआत से बताइएगा कैसे क्या मामला था और कैसे आपने स्टार्ट किया? शुरुआत से ही हमारे साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, किस मामले में क्या फ्रॉड हुआ? ये अर्बन एलियन के नाम पर हमारे साथ स्टार्टिंग से फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया था। ये इसका हरिंदर है एक, वो हमारे पास आया था दुकान के ऊपर कि हमारे को एक बैल के अंदर आउटलेट स्टोर खोलना है, जिसके लिए आपको 5 लाख रुपये सिक्योरिटी देना। हरिंदर कहाँ से? ये हरियाबाद से। हरियाबाद से। बोला हमारी सिस्टरों ने ये काम कर रखा, विनती और मोनिका, दो और बताए थे उसने ब्योहानी के, एक राहुल कौशिक था, एक साहिल कौशिक। अच्छा, आप उनसे मिले थे या फिर वैसे उन्होंने बताए थे? दुकान के ऊपर आया था, मेरा ऑलरेडी दूसरा दुकान था। अच्छा जी, लक्ष्मी मार्केट में, ठीक है। बोला हमारे को 5 लाख रुपये आप सिक्योरिटी के तौर पर दोगे तो हम उसका 3 गुना MRP का आपको मार देंगे, जो 25% हम आपको कमीशन देंगे। हाँ, जो पैसा जाएगा वो डायरेक्ट कंपनी के खाते में जाएगा। हाँ, उसमें से आपका कमीशन आएगा कंपनी के खाते में, ठीक है। QR कोड वगैरह भी यहाँ रखे थे उन्होंने, और बोला कि ऑनलाइन बिलिंग कटेंगी, वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं किया, कंप्यूटर तो उनका रखा हुआ है। अच्छा, फिर हम कमीशन वो पैसा सेल हुआ वो डालते गए, फिर कस्टमरों ने हमारे पास शिकायत करी कि इसके नीचे तो दूसरा लोगो है। अच्छा, मतलब जो माल आप दे रहे थे कस्टमर्स को, हाँ, वो उस चीज़ से शिकायत करने लगी कि आपको उस चीज़ का पहले पता नहीं था? ना, कस्टमर ने बताया कि इसके लोगो नीचे और कोई है, इसके नीचे कोई दूसरा लोगो है। अच्छा, फिर हमने भी लोगो उखाड़ तो कैसे टाई अप हुआ था उनके साथ में, उनका मतलब जैसे परसेंटेज में ही हुआ था या करूँ या और कुछ की बात करूँ तो? बोला कि किराया हम देंगे, शोरूम का किराया, वो एग्रीमेंट उन्होंने करवा रखा है। अच्छा, उसके ऊपर भी उन्होंने साइन नहीं किया अग्रीमेंट पे भी, जो किराया नामा मालिक से करवाया था वो हमें बुला करके बातों में लेकर अपने नाम करवा लिया। अच्छा, अग्रीमेंट पे साइन किसके हैं? अग्रीमेंट गवाह मैं हूँ, एक विकास मित्तल है, और जिसकी ये प्रॉपर्टी है उससे सीधा अग्रीमेंट करवा लिया, उस समय भी वो विनती नहीं आई। अच्छा, हाँ, वहीं से स्टार्टिंग से ही फ्रॉड चल रहा है। फिर वो हमने जो सेल हुई लिखा हुआ कुछ है आपके पास है ना,
तो मैं क्या कहूँगा एक बार से भाई से कि डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ लगें, क्योंकि जो भी प्रूफ्स हम दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो दुकानदार भाई हैं जो खास करके किसी कंपनियों के साथ में टाइप करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला जो है एग्रीमेंट है उनका, ये सबसे पहला आप देख सकते हैं कि इंडियन नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प लगी हुई नहीं है इसके ऊपर भी, कोई नोटरी अटेस्टेड भी नहीं है। ना ना कोई नहीं है, ये यहाँ ला करके हमारे सिबल साइन करवा लिया। अच्छा, फिर यहीं छोड़ कर चले गए वो। फर्स्ट पार्टी डिटेल दे रखा है इसके अंदर अर्बन एलियन, देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी जो कंपनी है दूसरी उसका नाम यहाँ पे तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि अर्बन एलियन है, और जो नारायण आश्रम वाली गली लैंडमार्क है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर, और सेकंड पार्टी बताया गया है सुरेंद्र कुमार है जिनके साथ में दोनों का टाई अप हुआ है। 101 रुपये का है, लेकिन यहाँ से कोई नोटरी अटेस्टेड नहीं है, सिर्फ सुरेंद्र के साइन है। और ये किसके साइन है? ये विनती जो विनती ओनर है, ठीक है, ये उनका एग्रीमेंट था इसके पीछे। ये एग्रीमेंट है, हाँ, तो आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जो है हम पीडीएफ डाल देंगे आपको, ठीक है सर। एंट्रीएल के लिए भी हमने जयपुर के कोई मिस्त्री से बात की थी, उन्होंने दबाव देकर के साइल कोशिक से एंट्रीएल करवाया, वो भी पूरा नहीं करके गया है। अच्छा जी, और न इनका कोई बिल दिया है, लगभग हमने उसको 1,70,000 रुपये एंट्रीएल के नाम पर दे दिया, ओनली उसमें ये रैक है ये भी पूरी नहीं की है। अच्छा, जो पैसा आपने दिया है उसमें उनका फर्नीचर की बात करूँ या सेटअप की बात करूँ, सारा उनका ही था? नहीं नहीं, उन्होंने ये लाइट और ये रैक का हुआ था। अच्छा, ये भी पूरा नहीं किया है? ये भी पूरा नहीं किया, नहीं। अच्छा, और पेमेंट के वगैरह के डॉक्यूमेंट हैं? हाँ, पेमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट हुई, ये देख सकते हैं विनती नाम है जिसको पेड किया गया है, और ये ट्रांजेक्शन फोन पे के माध्यम से आप थोड़ा सा सीधा कर लें, और ये 25,000 रुपये की ट्रांजेक्शन है, ये विनती को पेमेंट हुई है, ठीक है जी। पेमेंट ऑनलाइन हुई है? हाँ, टोटल पेमेंट 2.5 लाख रुपये उसको नगद दिया था, उन्होंने एक रसीद जारी कर दी थी 2.5 लाख रुपये। वो रसीद होगी आपके पास? हाँ, वो रसीद है मेरे पास, अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ रसीद। तो ये आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि भाई साहब हैं नकीपुर गांव से हैं, और इतना बड़ा धोखा जो है वो कंपनी ने किया है, लाखों रुपए की बात है, यहाँ पे कोई व्यक्ति लाखों रुपए लगा के एक बिजनेस करवाया था वो है। अच्छा, वो है, हाँ। तो इस साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं किया वो बोले कि हम आएंगे। देख सकते हैं कि पार्वती देवी है फर्स्ट, विनती का नाम लिखा गया है, सुरेंद्र गवाह है, और एक ये विक्रम विकास मित्तल अटेस्टेड है, ये नोटेरी अटेस्टेड है, लेकिन उनके साइन नहीं है इसके ऊपर, नहीं है, बोले कि 1-2 दिन में आएंगे हम और साइन कर देंगे आपके यहाँ। तो ये किरायानामा दिखाया गया इसके अंदर, और ये टोटल ये देख सकते हैं कि 60,000 रुपये की विनती को पेमेंट की गई है। ये थोड़ा सा वैसे हम फोन पे की ट्रांजेक्शन ज़रूर देख लेंगे, इसमें नाम मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिख रहे इसके अंदर, ये अगर आपके फ़ोन के अंदर है तो वो दिखा दो। ये विनती को की गई पेमेंट है, और सारी की सारी ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन हुई है। और भाई ये तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये ट्रांजेक्शन है वो दिखा दीजिएगा, ये पेमेंट कितने की है भाई? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की पेमेंट है ये देखिए, 40,000 रुपये, ये 4,000 की। मैं वैसे कहूँगा कि यहाँ से दिखा दें, ये 50,000 रुपये की, अगर थोड़ा सा जूमिंग करके दिख रहा हो तो 50,000 रुपये की है। और ये टोटल ट्रांजेक्शन ये देख सकते हैं आप, 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन ये है, 60,000 रुपये की ये है, देख सकते हैं कि विनती शोरान ये मोबाइल नंबर दे रखा है इसके अंदर, और ये 60,000 रुपये की ट्रांजेक्शन एक है, 40 की एक है, 1,00,000 रुपये ये के हैं, 50,000 रुपये की ये देख सकते हैं आप कि विनती शोरान के जो नाम है उसके अंदर, और टोटल पेमेंट कर रखी है 30,000 रुपये की, ये एक पेमेंट है, 20,000 रुपये की ये पेमेंट है, 25 की ये पेमेंट है, यानी कि लगभग जो है वो 1,00,000 से ज़्यादा ही पेमेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो उसके बाद में आपका जो शोरूम पता चला, एक बार कोई कपड़ा दिखाना चाहेंगे आपको? अच्छा, ये कितने की है? 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की ये पेमेंट आप देख सकते हैं उनके अकाउंट नंबर्स के हैं, 1,00,000 रुपये, ये 2,50,000 रुपये की जो रसीद जारी, ये आज दिनांक 19/4/2022 को सुरेंद्र पायल ने विनती अर्बन आर्यन को प्रथम राशि 2,50,000 रुपये कैश दिए हैं, ये विनती के साइन है और ये सुरेंद्र सिंह का साइन है, यानी कि टाइप तो बहुत लंबा हुआ है। तो कोई दिखाना चाहेंगे कपड़ा आपका जो किस है, किस तरीके से आप लगाइए? कोई मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये माल खोल लीजिएगा इधर वाला,
ये देख सकते हैं कपड़ा कितना शानदार लग रहा है, और कपड़ा का इधर से ही कैमरामैन से कहूँगा कि देख सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, और ये थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ये देख सकते हैं कि भाई साहब खोलेंगे और पता चल जाएगा इससे कि मामला क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि मामला जो है वो कहाँ है। ऊपर आप देख सकते हैं कि अर्बन एलियन का स्टेटस लगा हुआ है, और नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कोई और लोगो है। तो यानी कि समस्या जो है वो यही हुई है कि नीचे कोई लोगो और था, और उन्होंने अर्बन एलियन कंपनी का जो लोगो है वो लगा करके ले गया, और यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि लग रहा है यहाँ कोई लोगो था, वो उन्होंने उखाड़ दिया है। चलो ये तो हो सकता है एक दो कपड़े हों, मैं अपने हाथ से उखाड़ के देख सकता हूँ, कहीं ना कहीं ये हो सकता है। इसका लोगो बड़ा था, उन्होंने पहले ही उखाड़ रखा है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा, तो दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल। और नीचे का जो है वो मैं एक बार, नीचे नहीं है इसमें, क्योंकि जो नीचे लोगो था वो इस लोगो से बड़ा था, इस लोगो से बड़ा था, पहला उखाड़ दिया, ऊपर वाला उखाड़ दिया, मतलब ये लोगो इनका बड़ा है तो नीचे वाला छोटा था, तो इसके ऊपर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी ऐसा ही है। ये जो लोगो था इन्होंने ये देखिए उखाड़ रखा है, ये देख सकते हैं आप नीचे तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो इसमें लोगो जो है वो अर्बन एलियन का लगा हुआ है, और वो लोगो इन्होंने पहले उखाड़ दिया। तो साफ तस्वीरों में, चलो पेंट पेंट वगैरह देख लेते हैं यहाँ तस्वीरों के अंदर। इधर से कैमरामैन से कहूँगा कि ये पेंट भी है, इसके ऊपर भी जो लोगो है वो पहले से ही उखाड़ रखा है। ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो लोगो है वो पहले उखाड़ रखा है, और इसके ऊपर कोई लोगो और नज़र नहीं आ रहा है। सभी के ऊपर ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो उखड़ा हुआ साफ नज़र आ रहा है तस्वीरों के अंदर, जो है यहाँ से साफ उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि लोगो जो हैं वो यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। और इस कंपनी ने इन लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा किया होगा आप लोग सोच सकते हैं। और ये देखिए, दूसरी कंपनी का नाम था वो यहाँ से उखाड़ रखा है। अच्छा, ये काट रखा है ऊपर से उन्होंने। हाँ, ये देखिए, ये लोगो हटाया हुआ धागे, क्योंकि देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये धागे जो हैं वो अलग से ही पहचान बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों को उखाड़ करके दूसरा लोगो लगाए गए हैं। चलो एक दो कपड़े इधर से, महिला वाले इन पे लोगो हैं क्या, इनमें भी काट रखा है लोगो थे इनके ऊपर वगैरह कोई, अब हाथ तो लगाइए यहाँ देखिए, ये काट रखा है नीचे से यह तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अलग ही दिखाई दे रहा है ये चीज़ें, ये अलग ही दिखाई दे रहा है। ऊपर अर्बन एलियन लगा रखा है, कंपनी ने अपना स्टेटस बनाने के लिए दूसरे की हालांकि यूज़ किया है। ये भी तस्वीरों के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपना ये लोगो जो है वो अलग से ही चेप रखा है। ये इस प्रकार का जो लोगो है वो एक बहकावे भरा है। तो भाई साहब, एक और साथी भी हैं आपके साथ में पार्टनर। हाँ, और ये स्टार्टिंग से कई लोगों के साथ ऐसे कर चुके हैं। अच्छा, बहुत लोगों के साथ किया इन्होंने ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर 6-7 मुकदमे पहले से भी चल रहे हैं। अच्छा, पहले से लग रहे हैं। हाँ, मुकदमे तो, की बात आती है वहाँ पर, ये 2-4 महीने का आगे का चेक दे देते हैं, वहाँ पर इनका राजीनामा हो जाता है, और बाद में 138 का चलता रहता है। ये देखिए, ये जो है सुरेंद्र सिंह ने कर रखा है, राहुल कौशिक ये इनका पार्टनर है जो। अच्छा, राहुल कौशिक और ये सुरेंद्र कोई थर्ड पार्टी आपकी। हाँ, तरह इन्होंने 5 लाख रुपए पहले जमा करवाए थे, और यहाँ पे अकाउंट जो है उन्होंने ब्लॉक करवा दिया। 5 लाख रुपए की चेक दिया था इनको चेक, यहाँ पे देख सकते हैं कि इश्यू चेक, ये चेक नंबर है 19/4/2022 को चेक इशू हुआ है, 5 लाख की पेमेंट का चेक इशू हुआ है, लेकिन जो अकाउंट है वो यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है, यानी कि यह मामला जो है वो यहाँ से निकल कर क्या रहा है। और एक ये अनिल सपरा, इसने भी शोरूम किया था रोहतक के अंदर। अनिल सपरा वर्सेस अर्बन एलियन के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 16 लाख रुपए की पेमेंट है, और उसका भी यहाँ पे इश्यू चेक दिया गया था इनको, और जो पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्राइवर, यानी कि पेमेंट को रोक दिया गया, यानी कि टाइम से पहले या फिर कैसे भी हो रोक दिया गया है। इस प्रकार के बता रहे हैं भाई साहब का कहना ये है, 1,05,000 रुपये 1,05,000 रुपये यहाँ पे तस्वीरों में दिख रहा होगा। संदीप कुमार है होंडा, उन्होंने विनती के खिलाफ केस किया हुआ है 1,05,000 रुपये, और यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। तो आप लोग जो हैं काफ़ी चेक हैं, सभी चेकों के मुकदमे अभी आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा या फिर कोई बातचीत या वो क्या कर रही हैं? 10वें महीने की 16 तारीख को मुकदमा किया था। श्री महेंद्र सिंह SHO ने उनको बुलाया भी था, उस समय वो बोल रहे थे कि हम आपको चेक दे देते हैं। अच्छा जी, 3-4 महीने आगे का चेक के लिए हमने मना कर दिया, अगर चेक दे रहे हो तो कल का दो।
तो वो चेक दे ले लेता है, तो मैं हमारा जिनामा करके फिर 138 का लड़ता रहता कोर्ट में, चेक का चलता रहता, मतलब वहाँ से एक बार ये पंडा छुटवा लेते हैं, चेक छुटवा लेते हैं अपना गोली गाली दे करके। और अभी उन्होंने कंपनी भी बंद कर दी है रोहतक के अंदर। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आप कपड़ा लेकर के आए थे तो आपने शोरूम इतना बड़ा किया, पैसा लगाते हैं तो वो चीजें देखने जरूर आते हैं, तो क्या आप शोरूम देखने गए थे उनका? हाँ गया था, वहाँ पे था शोरूम, डी पार्क पे था। अच्छा। कंपनी भी देखी थी, मेरे पास फोटो भी है शायद। अच्छा, मोबाइल कंपनी भी थी, शोरूम भी था, वो बंदे सबसे मिले थे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो, हरेंद्र हमारे को लेकर गया था। अच्छा, विजिट करवाने के लिए लेकर गया था। हरेंद्र उनका छोटा भाई है, और मैं भी आपको दिखा देता हूँ जो कंपनी। और भाई मामला जो है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मामला ऐसा है बहल का, एक फ्रॉड का ही मामला कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम किसी ओनर के साथ, शोरूम है रोहतक डी पार्क के ऊपर। अच्छा, ये जो है शोरूम उन्होंने बना रखा था अपना, ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं उस शोरूम की, ये गुब्बारे वगैरह लगा के जो है वो उन्होंने सजा रखा था अपने को। ये अर्बन एलियन की जो कंपनी है, ये अंदर का है क्या उनका? हाँ ये अंदर का है, और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो कंपनी है। ये जो हरिंदर है ये आया था मेरे पास स्टार्टिंग में। अच्छा, ये बंदा आपके पास आया था? हाँ। और ये बंदा बाद में मिला नहीं है क्या आपसे? बाद में तो इन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था, 4-5 बार मुहूर्त दो पाँच दिन करके बहुत बार कार्ड बटवाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप अकेले ही मतलब शोरूम किया था या और भी साथी था आपके पास? मेरा चाचा था जो मेरा पार्टनर है, वो यहीं पर है। अच्छा, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे? यही है। हाँ यही है, तो एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा मामला हमें समझाएं। जी भाई साहब नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब? मनजीत नाम। कहाँ से हैं? पहाड़ी से जी। पहाड़ी से। तो जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि जो कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, जो कपड़े उन्होंने भेजे हैं, तो आपने मतलब उसके बाद में कहाँ तक गए हैं आप लोग, और कहाँ तक आपके हाथ मतलब फ्रॉड हुआ है? कितने फ्रॉड? तो स्टार्टिंग में ये 20 मई को मुहूर्त तोड़ा था। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने सिस्टम दिखाते दिखाते 20 मई के कार्ड भी छपवा दिए थे, फिर उनसे वो सिस्टम बैठाने, क्योंकि हमारे पास तो 5 लाख रुपये जा चुके थे। अच्छा। और इंटर के भी पैसे जा चुके थे। उसके बाद में उन्होंने 20 जून की तारीख फिर धरी उसने, 19 तारीख को भी यहाँ माल नहीं पहुँचा था, किसी दुकानदार से पूछ लिया बाहर से। फिर 20 तारीख को रात को तक जाके हमें उन्होंने 1-1.5 लाख रुपये का ही माल दिया होगा, वो हमारे साथ आए हैं, रात ना डेकोरेशन भी माल दिखाया सारा, और सुबह मुहूर्त था, फोन भी उठाना बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद में 30,000 भी किराया बनता है, वो भी अग्रीमेंट है। उसके बाद में हमें महीना हुआ, फिर उन्होंने माल नहीं भेजा, सब साइज टूटने लगी, क्योंकि माल 1-1.5 लाख रुपये का था कम से कम। वो बोल रहे थे कि हम 25 लाख का माल भेजेंगे, लेकिन माल भेजा उन्होंने 1-1.5 लाख रुपये का। उसके बाद में धीरे धीरे चलते 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 मतलब माल भी इतना यही आया है 1-1.5 लाख का। हाँ, बस यही मान लो कि 50,000 रुपये का ये होगा, 50,000 होगा, 60,000 का होगा, और 1.5-2 लाख रुपये उनके गिरा चुके हैं। जो माल बिकता गया उनका QR कोड याद रहा है, उनके जो मतलब ATM मशीन है वो दरी है, उनका कंप्यूटर दरिया है, हाँ वो मशीन लेके कैमरामैन से कहूँगा। उसके बाद उन्होंने अपना ही QR कोड रखा हुआ, अपनी ही स्वाइप मशीन रखी हुई, उनका ही लैपटॉप वगैरह सारी चीजें हमने दी थी, हमने पैसे दे दिए, हमारा कोई नाम से कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा। हमने जो भी पेमेंट गई है वो अकाउंट के थ्रू गई है, उन्हीं के अकाउंट में गई है। अच्छा। उसके बाद में एक महीना हुआ, हमने बताया भी मतलब हर महीने में आपका हिसाब होगा, नहीं तो उन्होंने किराया दिया जी। अच्छा। और नहीं ही हमारा जो मरता था मतलब महीने का, हमने लाख का भेज दिया तो हमारा 25,000 बनता है। अब कितने दिन से बंद है ये शोरूम? अभी 3 महीने से बंद है जी। 3 महीने से बंद है, और 3 महीने से उनका ना कोई कॉल ना कुछ नहीं जी। हमने नोटिस भी भिजवा दिया, उस एड्रेस पे वो है नहीं अभी। अच्छा, वो नहीं है उस एड्रेस पे। हाँ, वकील से हमने भिजवाया। टोटल कितने आदमी है? 4 ये हैं जी, 2 तो हैं भिवानी से और 3 ये बहन भाई हैं, 5 हैं जी। 5 हैं टोटल। हाँ जी। तो ये तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि सर हमें यहाँ बैल असचो साहब मंदरकन गए, तो इनने मतलब हमने कार्रवाई करी, तो इनने फिर दूसरी उस पार्टी को बुलाया, लेकिन टाल मटोल करके वही काम फिर हो गया। फिर हम SP साहब के गए, SP साहब ने हमें आश्वासन दिया, SP साहब के पास गए थे। हाँ, SP साहब भी मिले, हम भी वहाँ नहीं। अच्छा। उसके बाद में बोले अभी महेंद्र असचो है, वहाँ मिलो, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो रहा है आपके साथ। हम फिर वहाँ आए थाने में, लेकिन फिर हमने वो यही आश्वासन इसने मंदिर ने दिया कि आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है। फिर मतलब हमने अप्रूवल भेज दिए भिवानी, फिर भिवानी से अप्रूवल वहाँ मतलब तफ्तीश के लिए DSP लुवारू भेज दिया जी। अच्छा। DSP ने हमें आश्वासन दिया, 2 बार जा चुके हम लुवारू,
अब आप कॉल करोगे तो महेंद्र तो बोल रहा है कि डीएसपी करेगा, डीएसपी बोल रहा है कि बैल असो देखेगा, अब कहाँ जाए सर हमारे साथ में 13-14 लाख। पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों का मामला है सर, गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब 10-15 लाख रुपये लगाता है तो बहुत कुछ भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि पहली बात तो अब सीजन गया, दूसरी बात किराया वाला किराया मांग रहा है सर, अब 12-13-15 लाख रुपये हमने इसमें ख़राब कर दी सर। अब जमींदार आदमी सर, हम हमारा गुजारा कर रहे थे, और दुकानदारों को पूछ लो, अभी वो बोल रहे हैं कि हमने 25 लाख का माल बेच दिया, आज तक कोई उनका बिल नहीं आया हमारे पास। अच्छा, मतलब वो बोल रहे हैं कि 25 लाख का माल बेच दिया, हमारा साइन होगा जो मतलब माल रिसीविंग तो होगी, हाँ रिसीविंग तो होगी, हमारा साइन होंगे। कुछ प्योर फ्रॉड का मामला है जी, 7-8 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, और मैं तो यही बोलता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब प्रशासन ऊपर कार्रवाई करे, और ये कार्रवाई करके और ये मुकदमा सीआईए में दे, मैं तो ये मानता हूँ जी, सच्चाई तब पता लगेगी। और हमारा पैसा तो सर मतलब सारा अकाउंट के थ्रू पैसा गया होगा सर, हाँ अब 3 महीने हो गए सर, अब देखो हम तो यही उम्मीद करते हैं, और 2-3 दिन का और टाइम देते हैं, फिर हम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर हम रोड जाम करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं सर। देखो मतलब मैं तो प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा, क्योंकि मामले को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो मामला है, अब व्यापार करने के लिए लोग जो हैं वो मतलब इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, 10-15 लाख रुपए अगर किसी के पास हो तो आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन 10-15 लाख रुपए इन्होंने अपने कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर इतना धोखा इनके साथ हुआ है, और उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है वो 5 से 7 मुकदमे झेल रहे हैं पहले से ही। वो चीज़ें प्रशासन से करना चाहूँगा कि तहकीकात होनी चाहिए उनकी, और ऐसे लोगों को जो हैं वो उन अंजाम तक पहुँचना चाहिए, और जिनकी गलती है, हालांकि थोड़ी सी गलती मैं कहना चाहूँगा कि इनकी भी है, क्योंकि टाइप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जब इतने पैसे का कार्य कर रहे हैं तो उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्री में मतलब जब टाइप हुआ है इनका किरायेनामे की बात हुई है उसमें भी मतलब साइन नहीं है, साइन हमने झूठा अग्रीमेंट उन्होंने बनवा के बैल में ही जो लक्ष्मी मार्केट में इस भाई भतीजे की जो दुकान है उसमें झूठा अग्रीमेंट है, उनके ऊपर नोटरी नहीं है कोर्ट में, और साइन उसके जो ओनर है कंपनी की उसके भी साइन है और सुरेंद्र के भी साइन है, लेकिन वो नोटरी नहीं है, तो रजिस्टर्ड करके नहीं हुआ वो, तो इसलिए मतलब सारा काम स्टार्टिंग से ही धोखाधड़ी चल रहा था, हमारे को पता नहीं था, क्योंकि ये बोल रहा था कि ये मेरा दोस्त है हरियावास से, और ये मेरे पास 2-4 बार कपड़े भी ले गया है, और उसके मुताबिक तो मैं इसको जानता हूँ और ऐसा नहीं होगा, तो लेकिन बाद में महीने बाद में पता चलता है कि मतलब लोगों किसी कंपनी का ऊपर किसी कंपनी का, और उसके बाद में जो गए थे रद्द के उस जगह हमारे कुछ मिला ही नहीं, ये 5 लोग शामिल हैं जो कि 5 लाख के लेने के बाद में ये बोलते हैं कि इंटीरियर अब हमारे मुताबिक होगा, अब वो मतलब 2.5 लाख रुपये ले गए 1-70 नगद अकाउंट के थ्रू भी जा रहे हैं, और उसके बाद में ये काम पूरा भी नहीं कर रहे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, और हमारी 1 महीने बाद ही मजबूरी होगी, रिकॉर्डिंग भेज रखी है, साहब को भी दे रखी हमने, मतलब वो लड़की की जात में उसमें हमने सोचा कि अब ये दवा बनाने लग गई, पता नहीं आगे मतलब क्या कुछ फ़ायदा उठाया, हाँ तो इसलिए हमने जल्दी करके उसके ऊपर हमने ऊपर भी लगा रखी हैं, 6 विंडो भी लगा रखी हैं, और लेकिन ये काम नहीं हो रहा सर, अब क्या करें, अब हमारी मजबूरी हुई कि हम रोड जाम करेंगे सर, 2 दिन का टाइम और देते हैं प्रशासन को, और फिर क्या करें सर आप बताओ। तो मामला ये था, और मैं कुछ कपड़े और भी दिखाना चाहूँगा आपको, 1-2 भाई साहब से कहेंगे कि हो सकता है इधर से, भाई साहब दिखाओगे इसको, आप उखाड़िए भाई साहब अपने हाथ से, कैमरा मैन से कहूँगा कि अच्छे से दिखा दें एक बार के लिए, और जो लोगो है उसको एक बार उखाड़ते हैं, माइक को हम जा रहे हैं, कैमरा मैन से कहूँगा कि एक बार दिखा देंगे यार, ये है सबसे बड़ा मामला, मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, इस शर्ट के ऊपर इतने स्टैंडर्ड की शर्ट है, और इसके ऊपर लिख रखा है अर्बन एलियन, लेकिन अर्बन एलियन को जब आप उखाड़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ है जायको मेड इन इंडिया, तो मैं इस कंपनी से भी कहना चाहूँगा कि इनके साथ में भी इन्होंने धोखा किया है, और ये कंपनी वाले लोग जो हैं वो इन लोगों को पहचान लें कि आपके लोगों के साथ में छेड़छाड़ करके जो है वो आपके कपड़े की मार्केट को है वो यहाँ पे डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और जो मामला बनता है उसको देखिएगा, और उधर से और कपड़े भी हैं, इधर से ये लवर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इन पे तो कोई लोगों नहीं हो रहा है, ये जो अच्छा मेरे पास कमरा, ये जो टी शर्ट है ये टी शर्ट वाली दिल्ली है, उसी साइड बगल वाली दुकान में भी यही टी शर्ट है, उससे हमने बात करके हमारी दुकान पर से ले गए हैं,
कुछ बंदे रोहतक से आए थे और हमने बोला कि लोगो आपका मतलब है उसके ऊपर लोगो और किसी कंपनी का अरमान आलियन के नाम से लोगो लगा दिया गया है। अच्छा, उनको ही पता लग गया इस बात का। अच्छा, कंपनी कौन सी है वैसे? ये देखिए, एक्टिव ब्रेक के नाम से कंपनी है। देखो सकते हैं आप कितना बिल्कुल शानदार है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो माल आया ना उस पे ये था सेम टू सेम। देखिए ये यहाँ से लोगो उखाड़ रखा है, ये लोगो उखाड़ रखा है, देखिए आराम से बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये लोगो यहाँ से उखड़ा हुआ है। ये टी शर्ट तो है प्रॉफिट वालों की, लेकर के इन्होंने अपना मार्का लगा करके ये ओनली, ये उखड़ भी जाता है ऐसे करते ही। हाँ मतलब वो तो चिपका रखा है। हाँ। अपना इस तरीके से मतलब तो आप लोग शेयर करें और शोरूम को तस्वीर में कहना चाहूँगा एक बार शोरूम की भी घुमा के दिखा दें इधर से दूसरी साइड से कि कितना शानदार लुकिंग वाला बना रखा है 10 से 15 लाख रुपए में, लेकिन इतना पैसा इस अंदर जो है वो लगा नहीं रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और ये इधर से एप्लीकेशन एक बार देखना चाहेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने दी है, वो एप्लीकेशन सामने तस्वीर में मैं दिखाना चाहूँगा कि दरखास्त जो है वो कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज खिलाफ एक हरिंदर पुत्र नरेश, नंबर दो विनती मोनिका पुत्रियान नरेश निवासियन गांव खरियावास से है। ये तीन हैं, ये इन लोगों के पास में जो है वो आपने एसएचओ को दी थी कि ये हमने डीएसपी को भी दी थी, एसपी को भी दी थी। ये देखिए माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज के पास। अच्छा जी, श्रीमान जी आईपी जी रोहतक रेंज, श्रीमान उपायुक्त महोदय कॉपी जो हजा चुकी है। हाँ, रजिस्ट्री करवाई थी हमने, श्रीमान थाना अधिकारी राज्य स्तर का विभाग हरियाणा हर जगह दी थी, लेकर हमारी दरखास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं रही। एसएचओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन रुको, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीएसपी के पास जाते हैं तो बोलता है कि एसएचओ के पास जाओ, चक्कर लगा लगा कर थक लिए हम, कोई कार्रवाई नहीं रही कर रही। हो गया अन्न जी, काफी दिन से आज दे दुकान खोली है। अच्छा अच्छा, आपने देखा बंद पड़ी है। मैं यहाँ मैं एक ठेली लगाता हूँ सब्जी की। अच्छा अच्छा, और बाकी कितना दिन तक बंद है दुकान? ये लगभग 3 महीना, 2.5-3 महीना हो गया जी। तीन महीना। आप भी देखा करते बंद क्यों कर? हाँ, बंद क्यों कर है? इसका मतलब है कि इतनी चमकमाती दुकान भी खुली भी क्यों नहीं? हाँ, बहुत बात है जी। अन्य तो बहुत सोच के किया था, बाकी अन्य की दुकान बंद पड़ी है जी। देखो बंद पड़ी है, लेकिन बंद के पीछे कारण क्या है वो आप लोगों ने देखा, इतना बड़ा कारण है। आप सोच सकते हैं पैसा जो है वो लगा के लोग लेके आते हैं और उसके साथ में ऐसा घोटाला होता है, ऐसा गड़बड़ी होती है। तो मैं तो कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सतर्क रहें और इस मामले को आगे तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।